दोस्तों आपको तो पता है एनाकोंडा सांप कितना बड़ा होते हैं। आप वीडियो में जो एनाकोंडा देख रहे हैं ये बहुत दिनों से भूखा था और ये सांप इतना भूखा था कि पक्षी खाने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। और ये देखिए कितने भयानक तरीके से ये अपने पूंछ के सहारे पेड़ों से नीचे उतर रहा है। अगर कोई सांप आपके सामने ऐसे ही पेड़ से उतरता है तो आप क्या करोगे, कमेंट करके जरूर बताना।